बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल, मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास हुए हैं एक हफ्ते में तीन बार जी। काफली की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज भी इजलास हुआ, उसमें फिर उन्होंने तहफ़ुज़ात का इजहार किया पंजाब हुकूमत के हवाले से। कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें फैसला होगा कि इत्तेहाद जारी रहेगा इमरान खान की हुकूमत के साथ या जारी नहीं रहेगा। और ये जो हजीमत उठानी पड़ी है हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की तरफ से, इसकी एक वजह ये भी है कि इत्तेहादियों के ऑपोजिशन के साथ रबते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन जो कि चले हुए कारतूस हैं, JUIF, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चले हुए कारतूस मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि वन वे और दी अदर देव बीन अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इकतदार में इनकी शराकत रही है, शराकत दारी रही है, हुकूमत करते रहे, पाकिस्तान के अवाम के साथ वादे करते रहे, बट देव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन द पास्ट। लेकिन आज क्या कह रहे हैं शाहिद खाकान भाई साहब, मौलाना फजलुर्रहमान साहब, महंगाई के खिलाफ आज इकट्ठे होकर उन्होंने तकरीर किया कराची के रीगल चौक में। उन्होंने कहा है कि इस निज़ाम को कबूल नहीं करते हैं, दुनिया में पाकिस्तान की बात सुनने वाला कोई नहीं है, अवाम महंगाई से तंग है और फौरी तौर पे शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। ये शायद खाकान भाई साहब ने कहा और मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। आज हर एक मायूसी की तरफ जा रहा है, इस मुल्क से मायूस हो रहा है, इस हुकूमत से मायूस हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने अपना किरदार अदा न किया तो पूरी सियासी क़यादत से कौम मायूस हो जाएगी। हम इदारों को भी कहना चाहते हैं कि वो हकायक को समझें, अपने किरदार का दोबारा मुताला करें, माजी में जो उनसे गलतियां हुई हैं उन पर नजर डालें और तब जाकर हम एक कौम बनकर मुल्क को बचा सकेंगे। तो इदारों पे तो बाद में आएंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमें अपना सियासी किरदार अदा करना पड़ेगा, वो सियासी किरदार है क्या? मेरा सवाल ये है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्या वो सियासी किरदार सिर्फ ये है कि आपने हर वक्त सियासत में सिर्फ टारगेट करना है कि किस तरह से हुकूमत में पहुंचना है, किस तरह से इकतदार के एवानों में पहुंचना है, किस तरह से चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनना है 10 साल के लिए और फिर कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं करना, गाड़ी मिल जाए जिसके ऊपर झंडा लगाओ, मिनिस्टर्स इनक्लेव में घर मिल जाए, आपकी वाह हो जाए, आपके पास शशके हो, आपका कोई काम ना रुके, क्या सिर्फ ये सियासत है और ये सियासी किरदार है? या फिर पाकिस्तान का वो आम आदमी जो रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ के लिए एड़ियां रगड़ रहा है, जो 70, 72, 73, 74 साल से कह रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो, मेरे गरीब बच्चों का कोई ख्याल करो, मेरे बूढ़े माँ बाप का कोई ख्याल करो। आज इमरान खान की हुकूमत में इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है और गरीब आदमी तंग है, लेकिन जो पिछले अदवार थे उसमें क्या गरीब आदमी आपसे बड़ा राजी था? क्या गरीब आदमी के आप फेवरेट्स थे? क्या आपने उनकी उम्मीदों के मुताबिक हुकूमत की थी? हरगिज नहीं। तो ये जो बात है ना कि वी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब क्या करें, दे हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आई विल गो फॉर द डीप सी, क्योंकि सी में फिर भी शायद कश्ती तैर जाती है, लेकिन डेविल जो है उसका तो आपको पता ही है कि क्या किरदार होता है। अच्छा, आप दूसरी तरफ हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मतलब कि उनका भी यही काम है, या उन्होंने अपोजिशन को बुरा भला कहना है, उन्हें अपोजिशन को तनकीद करने, भाई हम जो काम कर सकते हैं मीडिया सियासतदानों पर तनकीद हमें करने दो ना, तुम परफॉर्म करो भाई, लेकिन या उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करनी है या उन्होंने खान साहब की बल्ले बल्ले करनी है, परफॉर्मेंस पर किसी का कोई ध्यान नहीं आता। क्या कह रहे हैं हुकूमती वज़रा, सुन लें। इन सख्त हालात में हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना है, ये अवाम को देख लो, ये इमरान खान के साथ खड़े, अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो। खान साहब को हटा के कौन सी पीटीआई चल सकती है? तो नामंजूर है, पूरे पीटीआई को नामंजूर है। खान साहब मान जाएंगे कि हट जाएंगे, ये वो, ये पता नहीं किस दुनिया में है, और हम बैठ के तमाशा देखते रहेंगे कि जी हमें नया वजीर आजम मंजूर है। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, AVM मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मसला हुआ ना जी, वो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने ऐसी टीम सिलेक्ट की कि जो सिर्फ वही करती थी जो कि इमरान खान साहब बतौर लीडर कर रहे थे। दे स्टार्टेड कॉपिंग इमरान खान। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ चोर डाकू लुटेरा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन बड़े अरूज पर थी, उन्होंने कहा जो कप्तान कह रहे हैं हमने भी वही कहना है। भाई आपने वो कहना है आप करें, उस नैरेटिव को आगे लेके चले, लेकिन इमरान खान को चाहिए ये था, या नीचे जो टीम सिलेक्ट की थी उनको चाहिए ये था कि वो परफॉर्मर्स बनते अपने अपने डिपार्टमेंट में।
अब मिसाल के तौर पे एक खिलाड़ी है, अपनी तरफ से बड़ी फास्ट बॉलिंग कराता है, नाम उसका मुराद सईद है। अभी पूरे पाकिस्तान में सिंध के अलावा पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन उसको ये नहीं पड़ी है कि जिधर हुकूमत है वहाँ पे हम कोई परफॉर्म कर दें, उसको ये पड़ी है कि अब सिंध में भी हुकूमत बनानी है। भाई सिंध में हुकूमत बना के क्या कर लोगे, जहाँ पे है वहाँ पे तो पहले कुछ परफॉर्म कर। मुराद सईद साहब सुनिए, सुन लो, अगला इलेक्शन न सिर्फ करक में, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ आजाद कश्मीर के लेकिन बल्तिस्तान में, बल्कि बलूचिस्तान के साथ सिंध में भी इमरान खान की इंशाल्लाह हुकूमत होगी। तो मेरे ख्याल में ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि आपको पाकिस्तान के अवाम ने इतना भारी मैंडेट दिया है, और जहाँ पे आपको मैंडेट दिया वहाँ पर बजाय इसके कि आप परफॉर्म करें, अवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें। आज मैं एक नए साहब आए मेरे पास ड्राइवर के तौर पे, कासिम उनका नाम है, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा चक 93B से उनका ताल्लुक है, और वो उन्होंने मुझे कहा है जी कि सर हमारे गांव में चीनी 160 रुपए फ़ी किलो मैं ख़रीद रहा हूँ, गुजारा ही नहीं होता, चीनी 160 रुपए फ़ी किलो होगी। महमूद ख़ान साहब क्या फरमा रहे हैं, वो भी इसी डगर पे चल रहे हैं जो मैंने कहा कि पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है, ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है। सुने वो क्या कह रहे हैं। वो एक कहते हैं जी कि मेरे बाहर किया पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये वही प्रॉपर्टियाँ है जो कभी इवान फील्ड की शक्ल में तो कभी दुबई के फ्लैट्स की शक्ल में, कोई साइकिल को पंक्चर लगाता था वो इरापति, कोई मीटर की रीडिंग लेता था वो इरापति, कोई सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था वो इरापति। बेशरम आदमियों, बेशरम लोगों, पाकिस्तान का पैसा खा खा के मेरे और आपके पैसे निकाल के जेबों से, उस पर आप लोगों ने जो आपके इतने इतने बड़े पेट बाहर निकल आए हैं, ये आपकी इनकी हिस्ट्री उठा के देख ले और आज इनके हालात देख ले। तो ये सीएम केपीके है जी, वो कहते हैं जी कोई पंक्चर लगाता था, कोई सिनेमाटिक में टिकट्स ब्लैक करता था और वो अरबपति। ओ भाई वो अरबपति जैसे भी बन गए, हमें पता लग, इसीलिए आपको हुकूमत में लेकर आए थे। अब आपने क्या किया ये भी हमें बता दें, ये आपसे हमारा सवाल है। इस तरफ भी आ जाए, इमरान खान साहब को चाहिए कि परफॉर्मर्स को सिलेक्ट करें जो कि परफॉर्म करें, टास्क को कम्प्लीट करें। हाँ कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, मुराद रास साहब, पंजाब के जो तर्जमान पंजाब हुकूमत ने हसन खावर साहब, दे गुड पीपल, चंद और लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विद इमरान खान यही बातें करते रहते हैं, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ये जो मैंने इंट्रो में कहा कि जो अपोजिशन है जो अब पाकिस्तान के अवाम के लिए मसीहा बनने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि देखें जी हम आपके मसाइल हल करेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी या पाकिस्तान का वकार बहाल करेंगे, इज दैट करेक्ट कि देर जस्ट पोलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट और देर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न, और इमरान खान की परफॉर्मेंस की नाकामी से एक बार फिर अपोजिशन की लॉटरी निकलेगी और नुकसान में अगर कोई रहेगा तो वो पाकिस्तान के अवाम है। भट्टी साहब, आरिफ उमीद कौन से भट्टी साहब? अच्छा अच्छा, आरिफ उमीद भट्टी साहब सीनियर है ना जी। अच्छा इत्शान साहब, मेरी मुझसे बात सवाल किया आपने जी जी बटी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपोजिशन ने इनके मसाइल हल क्या करने हैं, अपोजिशन ने इनके मसाइल हल क्या करने हैं? क्या मौजूदा यकीनन महंगाई है जिसमें इमरान खान रोक नहीं पाए, करप्शन है जिन्हें इमरान खान रोक नहीं पाए, लेकिन माजी में तीन दफ़ा हुकूमतें करने वाले किस मुँह से कह रहे हैं कि हम मसाइल का हल करेंगे? वो अपने आपको फंसे मसाइल से निकालना चाहते हैं, यानी कि करप्शन की दलदल में सर से लेके पांव तक डूबी अपोजिशन किसी को क्या निकालेगी? क्या आज से 3 साल पहले दूध की लहरें बह रही थी? क्या गरीब आदमी की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी नहीं? सिर्फ अपोजिशन को अगर मजबूत किया है, जो एक दूसरे के गले काट रहे थे उनको दस्तों गिरे बां थे इमरान खान के चंद नाहल और मुफाद परस्त लोगों ने किया है। ये वही अपोजिशन है। 91 का मैं उस दिन अपने रिकॉर्ड देख रहा था, जब मैं आसफ क्या नाम है इरशाद भट्टी साहब, मैं बचपन में था जब ये टीवी में आते थे, वो 91 में नवाज शरीफ का एक बयान लगा हुआ था कि मुझे 1 साल के लिए हुकूमत मिले तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। ये 91 की बात बता रहा हूं, 30 साल पहले, 3 दफा वो हुकूमत कर सके।
अपने खानदान की नस्ल दर नस्लों की तकदीर बदल ली उन्होंने, तकदीर बदल ली। इरशाद भट्टी साहब की एक गेम है, एक अच्छी आदत है कि ये प्रोग्राम में गेम बड़ी अच्छी खेलते हैं, इसलिए मैं इनसे प्यार करता हूं और डरता भी हूं। खैर अब वहां आ जाते हैं अपोजिशन, और जिसकी पोजीशन ही कोई नहीं है। आपका अपोजिशन का कायद नून लीग का इश्तिहारी मुजरम, जिसे कानून ये कहता है जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे उसे हथकड़ियां लगाकर जेल में भेज दिया जाए, ये मैं नहीं कहता, मुल्क का कानून कहता है। मीटर रीडर खुर्शीद शाह यकीनन मेहनत अनथक करके गए, इन्होंने अवाम के लिए जेलें काटी और 90% हिस्सा इन्होंने उधर के लीड क्लास अस्पताल में काटा या पार्लियामेंट में काटा, जहां कानून साजी होनी थी वहां मुल्जम आके ठहरते थे और तकरीरें बड़ी बड़ी करते थे। और वो जो आर्मी चीफ और DGI से मरियम नवाज रिजाइन मांगती थी, अब चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। मुझे बताएं अपोजिशन कि सब की एक भी है इनमें कि इनका मुश्तरका दुश्मन इमरान हा है, इनकी अवाम दोस्त नहीं है, अवाम के लिए जदोजहद नहीं कर रहे, अवाम के लिए दोनों जमातें कर रही हैं। तो जनरल आजाद अवान साहब की ये बहुत सुनते होंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग को इतना कहते हैं अपनी दौलत बैरूने मुल्क से और कारोबार सारा पाकिस्तान ले आए, प्रॉफिट खूब कमाए, इधर लोगों को रोजगार मिल जाए, तालीम की मिल जाए, सेहत मिल जाए, जिसम ढांपने के लिए कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, इनका अवाम के साथ वास्ता क्या? इमरान खान को खाली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते मौजूदा हालात का। इसमें तीनों दोनों हुकूमतें जो तीन मरतबा रही हैं पिछले 40 साल से मुसलत है मुख्तलिफ ग्रुपों में, हाँ अब इमरान खान की बदकिस्मती है कि इनकी कारकर्दगी इतनी मायूस कुन रही, बैड गवर्नर्स की इंतहा आप सोच नहीं सकते। पंजाब में करप्शन आसमान भी फाड़ के जा चुकी है, इन्होंने अपोजिशन को इकट्ठे कर दिया, वरना PDM ने लॉन्ग मार्च का दावा किया, धरने का दावा किया, इस्तीफा लेने का दावा किया, इस्तीफा देने का किया, महंगाई मार्च का किया, हर जिले में धरने का किया, तमाम शो उनके पहले शो में फ्लॉप हो गए। जिस तरह पंजाबी में बचपन में मैं और इरशाद भट्टी एक दफा फिल्म देखने गए, डब्बा 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 आधी फिल्म में आ गए, इनके तो शो ही फ्लॉप है। इमरान खान बदकिस्मती है, कारकर्दगी नहीं कर पा रहे और आज अपोजिशन इतनी ऊपर आ गई है। भट्टी साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, 2-3 दफा नाम ले लिया इजाजत के बगैर। ठीक है जी, जैन साहब मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अवाम का क्या बनेगा? ये अवाम जो कि 73-74 सालों से अपने हकूक के लिए इंतजार कर रहे हैं, कभी किसी पे भरोसा करते हैं, फिर दूसरे पे करते हैं, फिर तीसरे पे करते हैं, फिर जब तीसरे को भी आजमा लेते हैं फिर पहले से शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम का क्या बनेगा इस सूरत हाल में, जबकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौशी तौर पर हालात मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ये जो बातें हो रही हैं और ये काफलीग ने आज कह दिया है कि जी हम कल फैसला करेंगे कि हमने हुकूमती इतिहाद में रहना है, और अगर वो हुकूमती इतिहाद में नहीं रहते हैं तो पंजाब में तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाएगी। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं या आपका तज्जिया क्या है, क्या ये होगा या होने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाएगी या फिर ये अपना टेन्योर पूरा करेंगी? श्याम साहब थैंक यू वेरी मच। देखिए जो आपने पहला सवाल किया है, पहली बात तो ये है कि इतना इंटिमिडेटिंग पैनल है, आप तीनों जर्नलिस्ट हैं, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आप ओपिनियन मुझसे मांग रहे हैं, मैं दोनों भट्टी साहबान से इजाज़त के साथ कुछ गुजारिशात कर देता हूँ। पहली बात यह है कि इस कौम का क्या होगा या इस अवाम का क्या होगा, इसका जवाब खुद उनके पास है और कातिब तकदीर ने कहा है कि मैंने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत नहीं बदलना चाहते, ये होली कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। बात यह है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल इलीट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इनका अपने वोटर के साथ इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इनके वसाइल का, इनकी दौलत का, इनके रहन सहन का, इनके चाल चलन का, इनके ऑब्जेक्टिव्स का, इनके तमाम तर चीज़ों का कोई कनेक्शन उन लोगों के साथ है ही नहीं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इलीटिस्ट ग्रुप है और अशराफिया है जिनका इकतदार पे होल्ड है, ये इलेक्टेबल हैं, सिस्टमेटिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ग़ुलाम बनाया गया है और वोटर्स को अपना महकूम बनाया गया है एक बड़े सोचे समझे सिस्टम के तहत। और अनफॉर्चुनेटली जो 30 साल मिलिट्री रिजीम है, हाइब्रिड गवर्नमेंट थी जहाँ कन्वेंशन लीग बनी, जुनेजू लीग बनी, नून लीग बनी, फिर क्यू लीग बनी,
वो भी उस हाइब्रिड निज़ाम ने भी आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया, दिस हैज़ बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन क्यों नहीं हुआ इसको भी हम देख लें। हम सब तवक्कुआत तो रखते हैं, उम्मीदें तो वाबस्ता करते हैं, लेकिन अगर 22 करोड़ आवाम का 16 लाख फाइलर्स ने सारा बोझ उठाना है तो तमाम सियासतदान कर्ज पे मुल्क चलाएंगे और इस कर्ज की एडिक्ट कौम को कभी सड़क देंगे, कभी गैस देंगे, कभी नालियां पक्की करा के देंगे और इनको इसी अफ्यून पे लगाकर अपनी दौलत भी बनाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे किकबैक्स के लिए। लेकिन जिस चीज़ पे मेहनत होनी चाहिए थी, जिसमें हम खुद कफील थे, उस पे न किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने काम किया है और न किसी पॉलिटिशियन ने काम किया है। और हम खुद कफील थे अपनी नौजवान पॉपुलेशन में, उनके हाथ को सोना किसी ने नहीं बनाया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन और हुनर, ये कौम को किसी ने नहीं दिया ताकि वो मुल्क के अंदर रोटी कमाते या मुल्क से बाहर जाके कमाते। और अब हम तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं इमरान खान की हुकूमत से। रहा आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने इंट्रो में कवर किया है, हमारे तमाम सियासतदान जो हुकूमत से बाहर हैं, जिस दौर में जब पीटीआई बाहर थी तब वो उन पर भी यही लागू होता था कि ये सब के सब 12वें खिलाड़ी हैं और इनकी दुआ ये होती है कि 11 में से किसी एक की टांग टूटे और मैं अंदर चला जाऊं और जाके अपने जो परफॉर्मेंस है वो दिखाऊं। दिस हैज़ बीन देयर टोटल ऑब्जेक्टिव, इक्तदार में आना ही इनका वाहिद मकसद है। आकर न ये अपने वोटर से इनका कोई रब्ता होता है, नाता होता है, और न मुल्क के वसाइल को हल करने के लिए कोई सीरियस कोशिश की जाती है। तो इस डायलमा में आपके सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है कि इस कौम का क्या बनेगा। ये है वो मसला जी, जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन अब जो क्यू लीग ने कहा है, आपने एक सवाल और किया था कि क्यू लीग ने जो कल कहा है कि हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यू लीग ने 3 साल इक्तदार, 3.25 साल मजे लूट लिए, आइंदा भी वो इक्तदार में ही रहेंगे। उनको चाहिए अभी बहुत, तमाम जो भी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको हैवी फंड्स चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगाने के लिए, ताकि अगले इंतखाबात की वो तैयारी करें। अगर इमरान खान ने ये शरायत कबूल कर ली तो फिर वो साथ रहेंगे, और अगर ना हुआ तो फिर कोई भी ऑप्शन वो इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर ये है ठीक कि जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे है, जिसका तासर तमाम सियासतदान देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एक पेज था वो पेज फट गया है, तो मुझे डर यह है कि तमाम तर मलबा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर डालकर ये लोग मज़े लूट के इक्तदार के अलग हो जाएंगे और पूरी कौम सोचती रहेगी कि हुकूमत ने और ISI ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी। इरशाद भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जल साहब ने जो बात की है कि काफ लीग जो है वो कुछ और अपनी डिमांड्स मनवाना चाहती है, गो के वजारतें भी ले चुके, नैब के केसेस में रिलीफ भी ले चुके, स्पीकर पंजाब असेंबली भी बन गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये कहा था कि आप CM पंजाब हो या आप स्पीकर पंजाब असम्बली हो, कोई ना कोई सीट आपको चाहिए होती है। मकसद ये होता है कि आपका कोई काम ना रुके। वैसे तो जिस लेवल पे हमारे कुछ सियासी घराने इस मुल्क के पहुंच गए हैं, वो अपोजिशन में भी बैठे हों तो उनका कोई काम नहीं रुकता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाकी मेहमानों को भी पता है। लेकिन ये जो फंड्स की बात है, अगर यही बात है मजीद पैसे लेकर वो इक्तदार में इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार है, तो क्या ये पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो भी सिचुएशन है, अगर 3 साल बाद ये हुकूमत जाती है तो क्या पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पाकिस्तान के जो मुक्तदर इदारे हैं क्या वो मुल्क को इसका मुतहम्मिल होने देंगे आपके ख्याल में? अच्छा, मैं बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो शेर 2-3 सुना दीजिए, वो जो कामरान शाहिद के शो में आपने सुनाए थे, ताकि मैं उनसे अपनी बात आगे कंटिन्यू करूँ। भट्टी साहब, वो तो यही था ना कि शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ पसे दीवार कुछ सरेआम बिकते हैं, तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो इरशाद भट्टी, यहाँ ईमान बिकते हैं।
तो अब इसके बाद बताइए। आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू हेयर बट्टी साहब देयर इज अ स्पॉट आई हैव टू टेक अ ब्रेक आई एम वेरी सॉरी ब्रेक आपसे तजिया लेंगे तफसील से आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल इरशाद भट्टी साहब आपका तफसीली तज्जिया अब चाहिए हमें। दो सवाल मैं छोड़कर गया था, नंबर एक ये कि ये क्या पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं है कि मजीद फंड्स के लिए वजारतों के लिए इत्तेहादी इमरान खान को कह रहे हैं कि जी हम आपका साथ देंगे अगर आप हमारी मजीद डिमांड्स, जबकि पहली बहुत ज़्यादा डिमांड्स वो मनवा चुके हैं, और दूसरा क्या पाकिस्तान पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मल हो सकते हैं और क्या मुक्तदर इदारे ये चाहेंगे? इरशाद भट्टी साहब देखिए पहली बात यह है कि ये आज ब्लैकमेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इस वजह से हो रही है इमरान खान साहब ने इनको अपना इत्तेहादी बनाया। हमें 22 साल इमरान खान साहब ने क्या समझाया कि इलेक्टेबल से दूरी इख्तियार करना ये ब्लैकमेलर होते हैं, आज़ाद लोगों से आज़ाद अराकीन जो होते हैं ये वो पंछी होते हैं जो वक्त आने पर उड़ जाते हैं, काफ लीग डाकू लीग है और ये जो MQM है ये भत्ते वाले हैं, कातल हैं, ये 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 मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है, ये भी करप्ट हैं, और ये जो वडेरे हैं जिन पे मुश्तमल GDA है, इन वडेरों के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने जहाद का किया था, आलम बुलंद किया था। इमरान खान साहब ने क्यों अपने इक्तदार के लिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने इक्तदार के लिए या वज़ीर आज़म बनने के लिए इन ये कंप्रोमाइज़ क्यों किया था? वो जिनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करके 22 साल बैठे रहे, या तब्दीली जिनके ख़िलाफ़ लानी थी या जिनके ख़िलाफ़ जहाद करना था, वही उनकी आ गए, वही माफियाज बन के आज उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिशन छोड़ दें, अपोजिशन कि तितर बितर है, अपोजिशन मुंतशिर है, अपोजिशन का कोई मुश्तरका एजेंडा नहीं है, अपोजिशन का कोई मुश्तरका मफाद नहीं। पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है कि आपके आप खुफिया और राबतों में लगे हुए हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है कि आप अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, मौलाना साहब दोनों को कह रहे हैं कि मुझे मैं आप पर कैसे ट्रस्ट करूँ, और दोनों मौलाना साहब को हर मरतबा चीट करके चले जाते हैं और उनका छोड़ दें, उनके पास कोई मुतबादल एजेंडा नहीं, कोई मुतबादल प्लान नहीं, कोई मुतबादल रास्ता नहीं है, बस सिर्फ फ्री इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। फेयर एंड फ्री इलेक्शन उस वो होते हैं जिसमें मैं जीत जाऊं, जो हार जाता है उसके लिए धांधली ज़्यादा इलेक्शन होते हैं, जो जीत जाता है उसके लिए वो होते हैं। इसको छोड़ दें, अपोजिशन ने यही करना है, यही ये जो कर रही है यही करना है, लेकिन अपोजिशन को ये ऑक्सीजन किसने मुहैया की? ये अपोजिशन 20 साल खड़ी नहीं हो सकती थी। वो शहबाज शरीफ जो इतने जमहूरी हैं कि मेरे वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ही मैं वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना का नाम फाइनल थे, वो नवाज शरीफ साहब जो इश्तियारी हैं, जो मुजरम हैं और जो नाहिल हुए हुए हैं, वो मरियम नवाज साहब जो मेरी कोई जायदाद ही नहीं है, वो हमजा शहबाज जो कहते हैं बच्चों करप्शन वक्शन कोई नहीं वोट हमें ही देना, वो मौलाना साहब जो सारों के इत्तेहादी होते हैं, इन इस अपोजिशन को और बाकी सारी पार्टियों को, इस अपोजिशन को छोड़ दें। बात यह इमरान खान साहब की, आपने हर शाख पे साईं बुज़दार क्यों बिठाया, नंबर वन। नंबर टू, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पंजाब के कुछ वुजरा को छोड़ दें जो जिन्होंने काम जिन सामने नजर भी आते हैं, बाकी मुझे 70-80% वजीरों के आप नाम बता दें तो मैं आपको, आप मुझसे ज्यादा फील्ड में हैं, पंजाब में हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, KPK में बुज़दार प्लस बैठा हुआ है। आप ये महमूद खान जिसकी तकरीर चला रहे थे, 3.25 सालों में कोई एक काम बता दें। बुज़दार साहब का एक वो प्रिजन पैकेज आया है 5.5 अरब का, जिसमें वो 122 साल वो कानून बदलने जा रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो मेरे लिए ये अच्छा होगा, बाकी क्या है वही पुरानी बातें। आज़ाद कश्मीर में कौन है, एक और बुज़दार बिठा दिया, और GB चलो अभी इलेक्शन हुए हैं, वफाकी इधर मरकज़ में आ जाएं, मुझे बताएं 12 अगस्त 2021 तक 28 वफाकी वुज़रा हैं इमरान खान साहब के साथ, 4 वज़ीर मुमलकत हैं, 4 मशीर थे और 18 मुआवने खसूसी, अब इसमें एक दो नीचे ऊपर हो जाएं तो वो अलहदा बात है। मुझे बताएं 2, 4 या 5 को छोड़कर बाकियों ने क्या डिलीवर किया है? इमरान खान साहब की तब्दीली के साथ खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हों? खुसरो बख्तियार साहब क्या इमरान खान की तब्दीली के दस्ते में शामिल थे? नहीं थे। क्यों खड़े हों? काफली क्यों तब्दीली का साथ दे? MQM क्यों तब्दीली का साथ दे? GDA क्यों तब्दीली का साथ दे? मुझे बताएं जो इशरत हुसैन थे मशीरे कफायत शियारी और इस्लाहात, उन्होंने क्या डिलीवर किया? मुझे बताएं अरबाब शहजाद जो मुआवने खसूसी या मशीर हैं, उन्होंने अभी तक क्या डिलीवर किया है? मुझे बताएं असद उमर साहब ने जो पहले से अच्छे आदमी हैं, भाई हैं,
लेकिन उन्होंने क्या डिलीवर किया है एज ए प्लानिंग, क्या प्लानिंग की है उन्होंने कि वो 30-30 मार मारा है। मियां मोहम्मद सोमरो साहब आप भी इस पे एक मरतबा बात, वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसमें कैपेसिटी है। भट्टी साहब मैं आपसे ना यहाँ पे इख्तलाफ इसलिए करूंगा क्योंकि ये NCOC असद उमर उसको हेड कर रहे थे, दीगर मामला प्लानिंग, वन ऑफ द फ्यू पीपल आई हैव सीन जिसका कोई परफॉर्मेंस है, परफॉर्मर है। सिर्फ वो ये नहीं कहता नवाज शरीफ चोर डाकू लुटेरा है और ये और हम बड़े अच्छे हैं और वो लोग ऐसे थे, कोई परफॉर्मेंस के ऊपर उस बंदे का फोकस है। इस वजह से मैंने असद उमर का नाम लिया था कि इस तरह के लोगों को इमरान खान साहब को मजीद लाना चाहिए। मैं भाईजान आपसे डिसएग्री करता हूँ, मुझे एक सिर्फ बात एक बता दे, असद उमर का एक क्लिप आप दोबारा मैं आपको भिजवा दूंगा, सुन लीजिएगा। असद उमर ने कहा यह क्लिप संभाल के रखिएगा, हम इक्तदार में आएंगे तो स्टील मिल को एक साल में प्रॉफिटेबल बना देंगे, बंद नहीं रखेंगे। असद उमर साहब का वजीर खजाना से जाना, वजारत खजाना में जो किया एज ए प्लानिंग, मैं NCOC की बात, ये उनका मेन नहीं था, ये एक आफत आई इसमें वो हेड हुए ठीक हुआ। ये जो प्लानिंग में है, पूछा गया तरक्याती फंड क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ, जवाब क्या मिलता है, नैब के डर से खुदा का खौफ। अच्छा आगे आ जाएं, मियां मोहम्मद सोमरो साहब 3.5 साल 3.25 साल हो गए, इदारा जाती खसारा हमारा कहां से कहां पहुंच गया है, और उन्होंने क्या किया है, फहमीदा मिर्जा, खुसरो बख्तियार, गुलाम सरवर, इजाज शाह, आजम सलाती, फखर इमाम, क्या किया जी, क्या किया नंबर वन छोड़, और बाकी छोड़ दें अपोजिशन को, अपोजिशन के गुब्बारे में नहीं दम, इस अपोजिशन को ऑक्सीजन फराम किसने की है, इमरान खान की परफॉर्मेंस ने, गवर्नेंस ने, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, गुर्बत ने, गलत पॉलिसियों ने, गलत फैसलों ने, कन्फ्यूजन ने, एक एक फैसले को नॉर्मल फैसले को बुरहान बना देते हैं इमरान खान साहब। अच्छा आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब जो कह रहे हैं उनका अपना ओपिनियन है, बहरहाल हम सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैं समझता हूं कि कुछ परफॉर्मर्स को और ऐड करना चाहिए इमरान खान साहब को अपनी टीम में, अगर वाकई वो पाकिस्तान की मईशत को बहरान से निकालना चाहते हैं। और देयर सम पीपल हु जस्ट ओनली टॉक, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं और वो बातों से इमरान खान साहब खुश तो होते हैं मुझे मालूम है, बट इट इज़ हाई टाइम कि इमरान खान साहब को भी अपनी प्रायोरिटीज़ तब्दील करने की ज़रूरत है। ही नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे सिर्फ वो लोग नहीं चाहिए हैं जो कि अपोजिशन के हवाले से तनकीद करते हैं और सख्त अल्फाज में करते हैं, बल्कि मुझे वो लोग चाहिए जो अपने काम से काम रखते हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और वो जो महकमा जो टास्क उनको दिया जाता है उसमें परफॉर्म करते हैं, करने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल मेरा ये है, वो इरशाद भट्टी साहब ने मुझे कहा था कि वो शेर जरा आप दोबारा, एक शेर और मुझे भट्टी साहब याद आ गया अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि असी विचारे बोड़ा थल्ले उगन आली का दे तीले तुपते मीनू तरस गए, लख करोड़ा दा की कहना दसते वीनू तरस गए। अवाम की तो ये हालत है ना भट्टी साहब, मैं अब किधर जाऊं, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब मैं किधर जाऊं, मैं पाकिस्तान की अवाम किधर जाऊं, मैंने 90 की दहाई देख ली, मैंने उसके बाद 20 साल की सियासत देख ली, उसके बाद मेरे सामने एक उम्मीद की किरण जागी जिसका नाम इमरान खान था, अब उसके खिलाफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा एहतशाम गुजारिश है, मैं भी एक शेर अर्ज कर दूं, कहते हैं लुटन वाले रज रज लुटे है, लुटन वाले रज रज लुटे है, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हाँ, अखियां दी लाली पई दसती है रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हाँ। ये आवाम हमेशा ही रोई है, हाकम वक्त पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मुशरफ हो या इमरान खान हो। दूसरी बात, इस टीम के साथ जो मौजूदा मोहतरम इमरान खान साहब की टीम है जिसमें पंजाब भी है, 100 साल भी कुछ नहीं कर सकते और इससे बदतरीन हालात होंगे, इससे बदतरीन हालात होंगे। ये भी क्लिप संभाल लें, वो जैसे उन्होंने कहा रहा कि असद उमर का संभाल लें, मुझे याद है उन्होंने कहा था प्रॉफिटेबल बनाएंगे नहीं तो मैं रिजाइन दे दूंगा, ऐसे 1001 क्लिप है खुद इमरान खान साहब के। मुझे ये बताए कि इमरान खान साहब दो जमातों ने अवाम को लूटा माजी में और लातदाद लूटा और एक दूसरे पर अरबों की करप्शन के इल्जाम लगाए जो सच होंगे। इमरान खान साहब का एक नारा था मैं शिफाफ गवर्नर्स लाऊंगा, बैड गवर्नर्स की इंतहा हो गई, ओपन कहा जा रहा है कि पैसे लेके तैनाती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग तरक्कियां की जा रही हैं। क्या तालीम को
बेहतरी लाने के लिए इमरान खान के पास कोई विजन नहीं है। 3.25 साल में पाकिस्तान का एक स्कूल बता दें आप एहतशाम लाहौर में रहते हैं जो उन्होंने बेहतर किया हो, भट्टी साहब हाफजाबाद में रहते हैं, जन्नत साहब जहां भी रहते हैं, एक सस्पताल एक स्कूल, मैं एक स्कूल की बात करूं। अगर आप 30 साल बाद लोगों ने आपसे उम्मीदें बना ली कि ये इमरान खान जो कह रहा है ये सच कह रहा है, क्योंकि माजी में अगर पीपल्स पार्टी नून आती हमें उनसे उम्मीद ना होती, हमने कहा माजी में भी लूटा अब भी लूटेंगे, इन्होंने अवाम की उम्मीदों को तोड़ा है, इन्होंने नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया है उन झूठों वादों से जिस पर ये खुद कहकर अमल नहीं कर सके, उसमें मेरा या मिनिस्टर एहतशाम का कोई वास्ता नहीं। इन्होंने कहा था मैं दो नहीं एक पाकिस्तान लाऊंगा, मैं अदारों में इस्लाहात लाऊंगा, मैं अगर IMF वर्ल्ड बिजली गैस और इसकी बिजली की कीमतें बढ़ जाए तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, मैं इलेक्टेबल नहीं लूंगा। अभी जो भट्टी साहब ने कहा डाकू, मैंने तो नहीं कहा काफ लीग को, MQM के खिलाफ मैं तो नहीं गया। इसका मतलब है ऐसा लगता है मादी उल नजर में इनकी परफॉर्मेंस 3.25 साल की देख के कि ये सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाह रहे थे वो बन गए, उसके बाद इन्होंने अपने बनाए हुए उसूल ही तोड़ दिए जिससे लोग मायूस हुए। इमरान खान की नीयत ठीक होगी मान लिया, एफर्ट भी चाह रहे होंगे, क्या इस टीम के साथ जो सियालकोट की रिपोर्ट आई है उसके बाद मुझे कहना चाहिए ये बंदे रिफॉर्म ला सकते हैं, जब DPO का दफ्तर ठीक है जी वो सारा सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो, AC का दफ्तर हो, CM हाउस हो, सारा सिस्टम एहतशाम भाई मुझे इस निजाम को ही अब बदलना होगा, ये इनके खिलाफ अदम एतमाद आने से अमान लिया आ जाएगी, मुझे आपको आम शहरी को क्या मिलेगा मुझे सिर्फ ये बता दे, ये 3 दफा के पीछे यही तो मैं दोबारा हमने दोबारा किधर जाना है, क्या नहीं ऐसी खुशखबरी दे भाई जो 30 साल हुकूमत में रह के नहीं दे सके। इरशाद भट्टी साहब क्विकली जस्ट 30 सेकंड्स ब्रेक लेना है। 30 सेकंड्स में मैं आपको कहना चाहता हूं कायदे लंबी बातें अगले वक्फे में कर लेंगे। मुझे बताइएगा, मैंने इमरान खान साहब को इसलिए मैं उस तब्दीली के साथ खड़ा हुआ था कि मुझे कहेंगे कि मुर्गी पाल लो और देसी अंडे रख लो, कट्टा बच्चा पाल लो, लंगर गांव में जाके कारखाने खा लो या अपना गांव में जाके सो जाओ। नहीं, उन्होंने पहला वो कामयाब हुए, उन्होंने ये स्टेटस को तोड़ा, दो शाही टबरों को हिला दिया, हमें मरूसी सियासत की लानत से कम अज कम 5 साल बचा लिया, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हैव नॉट जिन पे कुछ ठीक हो गया तो उनको अदालतों में ले आए। सेकंड क्या, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ऑन दैट नोट, आई हैव अ ब्रेक भट्टी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। जनरल एजाज अवान साहब, ये जो पूरी PTI का नैरेटिव है कि हमें हालात ही बड़े ख़राब मिले थे, मुल्क तबाही के दहाने पे इन्होंने हमें हैंडओवर किया था, इस वजह से बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, इसके ऊपर शायर कहता है कि कुछ उंज भी रावा औखियाँ सन, कुछ गल च गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। या ये जो PTI का अपना मरने का शौक था, क्या आप इससे इतफाक करते हैं? दूसरा जैन साहब, जो आप कह रहे थे कि 16 लाख फाइलर्स हैं और 22 करोड़ की आबादी में तो गवर्नमेंट मुल्क कैसे चलाएगी, तो सर ये भी तो गवर्नमेंट ने ही ठीक करना था ना। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कारोबारी आदमी, एक ताजिर टैक्स चोरी कर रहा है, तो एक आम आदमी जो कि माचिस की तीली से लेके चीनी दाल चावल पेट्रोल गैस खरीदता है उस पर GST देता है, उसका तो कसूर नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ने ठीक करना था, तो इसमें गवर्नमेंट का अपना कितना अमल दखल है? जैन साहब, बरसर साहब देखिए बात दुरुस्त है कि परफॉर्मेंस हुकूमत की, हुकूमत ने ही देनी है, निज़ाम को दुरुस्त हुकूमत ने ही करना है, लेकिन जिन खिलाड़ियों को लेकर मैदान में उतरे हैं और ये जो मटेरियल अवेलेबल है पॉलिटिकल एलीट में या इलेक्टेबल जिस तरह के अवेलेबल हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है इमरान खान ने उस पर भट्टी साहब बहुत रोशनी डाल चुके हैं, मज़ीद उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखें इस मुल्क में कौन लोग हैं जो सियासत कर सकते हैं, क्या एक आम आदमी की रसाई है इलेक्शन तक और वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, जिस लेवल तक ले जाए जा चुके हैं इंतखाबात। तो जो निज़ाम की तब्दीली की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसने जो कुछ इस कौम को दिया है वो भी सारा कौम के सामने है। बुज़दार पंजाब में ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन जिस सूबे में 13 साल से हुकूमत है, सबसे बड़ी सियासी जमात की और सबसे बड़ी जमहूरियत के अलमबरदार सियासतदान की, उसको देख लें, 13 सालों में एक शहर का न निकासी आप दुरुस्त हुआ, न कूड़ा क्रिकेट उठाने का निज़ाम दुरुस्त हुआ, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुरुस्त हुआ, न क्राइम रेट ही कंट्रोल हुआ। ये एक शहर 13 सालों में उस पार्टी से नहीं संभाला गया। पूरा सूबा सिंध तो एक तरफ छोड़ दे, कराची के हालात सिर्फ बता रहा हूँ। ये जो सारा निज़ाम है, मैंने पहले आपको ये कहा था कि ये अशराफिया है, ये इक्तदार में आते हैं अपनी जायदादें, विरासत और दौलत बढ़ाने के लिए। आम आदमी के मफाद से इनको वास्ता कम ही रहता है, ना उसके लिए ये कुछ कर सकते हैं, उन्हें महकूम रखना ही। जैल साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैल साहब, आरिफ अमीद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ये कामयाब नहीं होती है, तरीके आदम एतमाद पेश भी नहीं होती और कामयाब भी नहीं होती, इमरान खान साहब नीड टू चेंज अ स्ट्रैटेजी, फाइंड परफॉर्मर्स प्लीज इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकर्स। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।